सहना ववतु, सह ओम सहना वो सह नो भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनावधीतमस्तु मिषा वह ओ शांति 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं स्म प्रांज तो पतंजलि प्रांजलि रान तो आज के इस योग दर्शन के प्रथम सत्र में आप सब साथियों का सब योग योद्धा कार्यकर्ता भाई बहनों का मित्रों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज हम गुरुवर, गुरुवर्ग गुरु सत्ता के चरणों में नमन करते हुए महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए आज के इस योग दर्शन की कक्षा को आरंभ कर रहे हैं दोस्तों छ दर्शन हैं और उन दर्शनों के विषय में यदि हम बात करें तो वह छह दर्शन हैं न्याय दर्शन जो महर्षि गौतम ने लिखा है दूसरा वैशेषिक दर्शन है वह महर्षि कनाद ने लिखा है वो कनाद जो कणकण अन्न को भी व्यर्थ ना करने का उपदेश देते हैं तीसरा मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी ने लिखा है सांख्य दर्शन जो महर्षि कपिल ने लिखा है योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है वेदांत दर्शन जो महर्षि व्यास ने लिखा है महर्षि व्यास ने महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन की टीका भी की है बहुत गहनता के साथ हम इस योग दर्शन के सूत्रों का अध्ययन करेंगे आज हम उसकी प्राथमिक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे फिलासफी इन संस्कृति इज कॉल्ड दर्शन विच मीन्स परसेप्शन विजुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन It could be said that these six systems are different currents flowing into the same river, finally meeting in the ocean of divine consciousness. These are darshana's six philosophies. न्याय बाय महर्षि गौतम वैशेषिक बाय महर्षि कनाद मीमांसा दर्शन बाय महर्षि जैमिनी सांख्य बाय महर्षि कपिल बाय महर्षि पातंजलि, वेदांता बाय महर्षि व्यास। व्यासम दीज फिलॉसफीज़ योगा इज़ द मोस्ट एंशंट वन इट कैन बी फाउंड इन द प्री वैदिक पीरियड ऑल्सो इट प्री डेट्स इन उपनिषद्स ऑल्सो इन भगवद्गीता एंड अदर क्लासिकल्स स्परिचुअल टेक्स ऑल्सो दस इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि योग के जनक नहीं हैं महर्षि पतंजलि कंपाइल्ड डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ योगी प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन इन ए सिस्टमेटिक वे महर्षि पतंजलि ने योग को एक सरल तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से उसमें आबद्ध किया है बात रोको उसको देन क्वेश्चन राइजेज हु इज द फाउंडर ऑफ योगा आइए उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि हम न्याय और वैशेषिक को एक दूसरे का पूरक मानते हैं सांख्य और योग आपस में एक दूसरे के पूरक हैं मीमांस और वेदांत आपस में एक दूसरे के पूरक हैं सांख्य क्या है सांख्य योग के विषय में हम आपको थोड़ा सा बता दें योग सांख्य का ही क्रियात्मक रूप है योग सारे संप्रदाय और मत मतांत्रों पक्षपात और वाद विवाद से रहित सार्वभौम धर्म है इट इज द यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ द होल ऑफ द ग्लोब योग का जो लक्ष्य है वो अंतिम देह तक पहुंचाना है सारी श्रुति स्मृतियां योग की महिमा का गान करती हैं योग का वास्तविक स्वरूप क्या है योग के संबंध में अनेक भावनाएं निश्चित रूप से इन भ्रांतियों को दूर करना बहुत आवश्यक है तो हमें ध्यान रखना है कि योग के पिता योग के पितामह योग के जनक कौन है हम उसकी चर्चा करेंगे परंतु इस बात को पहले ध्यान रखते हैं कि योग की तीन धाराएं हैं ज्ञान योग भक्ति योग और कर्म योग और इसके इन तीन मुख्य जो अंतर विभाग हैं योग के उसके विषय में मोटे तौर पे हम समझ लें क्या है ज्ञान योग मतलब कोई भौतिक पदार्थों का ज्ञान हो गया आपको कोई साइंस का ज्ञान हो गया वो ज्ञान हो गया विज्ञान का प्र... ना बल्कि तीनों गुणों का जिससे ये सारे पदार्थ बने हैं स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर हमारी कर्म इंद्रियाँ हमारी जान इंद्रियाँ हमारा मन हमारा चित्त शुद्ध अंतकरण परमात्म तत्व इन सब का ज्ञान होना ज्ञान योग है अब ध्यान में आता है कि उपासना योग क्या है सा, सामान्य रूप से कहते हैं कि उपासना किसी व्यक्ति विशेष के पास या किसी विषय विशे विशेष के पास बैठकर उसका ज्ञान प्राप्त करना उपासना है ऐसा नहीं है यह उपासना योग तभी कहलाएगा जब इसका मुख्य लक्ष्य केवल और केवल शुद्ध परमात्मा को प्राप्त करना होगा शुद्ध ज्ञान द्वारा शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति ये ही उपासना योग है भक्ति योग है एकाग्र स्वरूप उपासना को संप्रज्ञात समाधि तथा संप्रज्ञात योग कहते हैं हम यदि ये बात करें कि जिस प्रकार सारी मिट्टी की तहें रेत के किनारे आप नदी के किनारे हों जिस प्रकार सारी मिट्टी की तहों को समाप्त होने पर जल को रेत से अलग किया जा सकता है कितना सुंदर उदाहरण है आप नोट करिएगा उसी प्रकार इन गुणों से अलग होने के बाद आत्मा को चित्त से अलग किया जा सकता है यह त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है इसको जब अलग करते हैं तो केवल बचता है रेत और पानी और रेत को पानी से अलग किया जा सकता है बहुत सरलता से रेत बैठ जाती है पानी ऊपर निर्जर बह जा बह जाता है अर्थात इस प्रकृति को जब हम अलग कर देते हैं तो यह मन तत्व रह जाता है चित्त तत्व रह जाता है और आत्म तत्व रह जाता है और फिर केवल आत्म तत्व बचता है इसे ही विवेक ख्याति कहते हैं तो ज्ञान योग क्या है हमारी आत्मा के अपने गुणों का चित्त का ज्ञान करना अपने दशों इंद्रियों का ज्ञान करना यह ज्ञान योग है और उस परमात्म तत्व को प्राप्त करना एकाग्रता के साथ समाधि के साथ यू उपासना योग है और कर्म योग क्या है कर्म योग मतलब कोहलू की तरह उसमें जुटे रहना ये कर्मयोग नहीं है शरीर इंद्रियों का आनंद लेना धन संपत्ति कमाना यह कर्म योग नहीं है परंतु अपने कर्तव्य रूप जो कर्म है उनको भी परम पिता परमात्मा के चरणों में अर्पित कर देना अनासक्त भाव से निष्काम भाव से निष्काम भाव से व्यवहार करने का नाम कर्म योग है ब्रह्मने आधाय कर्माणि संगम त्यक्त करोति यिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र अभिम्बसा जैसे कमल के को देखते हैं कीचड़ में रहने के बावजूद कीचड़ उसको टच नहीं कर पाता ऐसे काम करना है ब्रह्मी आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा क्रोतिया ऐसे ब्रह्म में स्थापित होकर कर्म करना है कर्म कुशल शुक्ल भी होते हैं और कृष्ण भी होते हैं परंतु और तीसरे भी कर्म होते हैं कुछ कर्म ऐसे होते हैं देखो तीन प्रकार के रास्ते हर निकलते हैं एक रास्ता है जो स्वर्ग की ओर जाता है एक रास्ता है जो नरक की ओर जाता है और एक वो रास्ता है जो ईश्वर की ओर जाता है परमात्मा की ओर जाता है ये तीसरा रास्ता है ये योग का रास्ता है ये योगियों का रास्ता है योग दर्शन के चौथे अध्याय में सातवें श्लोक में इसका विवरण है अच्छे से वर्णन किया गया है उसकी हम आपके साथ चर्चा करेंगे हम आज मैंने कहा कि इट इज ए इंट्रोडक्शन तीन योगों के दो मुख्य भेद हैं एक सांख्य योग और एक सांख्य और एक योग सांख्य और योग दो इसके और भेद हैं सांख्य योग में ज्ञान की प्रधानता है और योग में सांख्य में ज्ञान की प्रधानता है और योग में भक्ति एवं कर्म की प्रधानता है बस इतना सा अंतर है और दोनों को मिला देने के बाद फिर ये त्रिवेणी बनती है इसलिए सांख्य योग और ज्ञान योग सांख्य योग और योग सांख्य और योग एक दूसरे के पर्यायवाची उसके दूसरे के पूरक हैं इसलिए आपको सांख्य दर्शन भी पढ़ना चाहिए और योग दर्शन भी पढ़ना चाहिए तभी आप एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं योग दर्शन की जैसे एक मार्ग चार हिस्सों में डिवाइड हो जाता है ऐसे ही पहला स्थूल भूत, दूसरा सूक्ष्म भूत और तीसरा अहंकार और चौथा अस्मिता इस प्रकार दृष्टिगोचर होता है कि यह अलग अलग हिस्सों में बट चुका है और अंतिम लक्ष्य जो है अपवर्ग परमात्म तत्व एक विशाल सुंदर राजभवन है और इस राजभवन तक पहुंचाने का कार्य उस जो घोड़ा करता है वह उसका जो उद्देश्य है ये घोड़े नामक घोड़ा जो मैंने कहा ये ये है आपका मन ये चित्त जिसकी अनेक गतियां हैं जिस पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है हमने हठ योग में भी पढ़ा कि उसको उसके ऊपर लगाम लगानी पड़ती है घोड़े की लगाम हिरण को जैसे जाल में बांधना पड़ता है ऐसे मन को बांधने की इसमें आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी क्योंकि एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट आपके जो कर्म हैं वो क्लेश से जो पैदा हो रहे हैं जो अक्लिष्ट जो आप पुण्य की ओर जाते हैं उन सब से ऊपर उठकर क्लिष्ट अक्लिष्ट को छोड़कर ईश्वर की मार्ग पर जाने वाली जो प्रक्रिया है आज हम उसकी चर्चा करेंगे आ, क्योंकि ये समय ऐसा है कि प्रतिदिन हम एक कर पाएं दो कर पाए कितने कर पाएंगे इसका अभी कहना मुझे कठिन लगता है चित्त की नौ अवस्थाएं हैं जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था परले अवस्था समाधि अवस्था संप्रजात समाधि अवस्था असंप्रजात समाधि अवस्था स्वरूप स्थिति जिसे कहते हैं और प्रतिप्रसव, जो अंतिम स्थिति है जो मैंने कहा था कि यदि हम प्रति प्रसव की बात करें तो पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम जहां पुरुषार्थ शून्य हो जाते हैं जो अंतिम स्थिति है कैवल्य की स्थिति वहां तक अपने को पहुंचना इसका लक्ष्य है हम बात कर रहे थे इसलिए हमने सबसे पहले उन मुनियों में सबसे श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को प्रणाम किया योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीर से च वैद्य के मुनि पतंजलि को वैद्य के रूप में भी जाना जाता है शरीर के वैद्य के रूप में भी जाना जाता है करोतम प्रव, प्रवरम मुनि नाम पतंजलि प्राजलिण तो और एक योग जिन्होंने अंताकरण पर नियंत्रण किया एक व्याकरण महर्षि पतंजलि को व्याकरण का भी प्रमुख माना जाता है कि उन्होंने व्याकरण के माध्यम से जो अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है वो भी उन्होंने ही लिखी है और आयुर्वेद का भी वह विशद ज्ञानी रहे हैं वो और ये हम इसलिए देखते हैं क्योंकि जब हम योग सूत्र का आरंभ करते हैं तो लिखा गया है अथ योग अनुशासनम ऐसे ही जब अष्टाध्याय का आरंभ किया जाता है तो लिखा जाता है अथ शब्दा अनुशासनम तो एक सिमिलैरिटी सी मिलती है और समय कालखंड वही है इसलिए थोड़ा सा महर्षि पतंजलि के विषय में आपको बताना आवश्यक था लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व का कालखंड माना जाता है तीसरी सदी का कालखंड माना जाता है महर्षि पतंजलि का और आज हम उनके विषय में और चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि आखिर इसके प्रणेता कौन है किसने इस योग शास्त्र की रचना किसने की है तो आपके ध्यान में आएगा कि मैंने कहा कि योग को नियमित रूप से करने का कार्य तो महर्षि पतंजलि ने किया है परंतु योग को आरंभ करने का कार्य योग को स्थापित करने का कार्य यह हिरण्यगर्भ ने किया है हिरण्यगर्भ गर्भ को इसका प्रणेता माना जाता है और इस विषय में एक नहीं अनेकों हमारे पास उदाहरण है महाभारत काल में भी इसके विषय में कहा गया और हम बात करें वैदिक काल की तो वैदिक काल में कहा गया ओम हिरण्य गर्भा समवर्तताग्रे भूत जाता पतिरेक आसीत सदा धार पृथ्वी ध्यामुतेम कस्म देवाय हविष सबसे पहले जो व्याख्याता है वह हिरण्य गर्भ है तो आप सब लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए ये प्रश्न अमूमन पुस्तकों में पूछा जाता है कि योग के वक्ता कौन है तो योग के जो वक्ता हैं वो हिरण्य गर्भ हैं और योग को एक सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट करने का कार्य किया महर्षि पतंजलि ने योग कब का है योग वैदिक कालीन है प्री वैदिक माना जाता है वेद से भी पूर्व योग है ऐसा माना जाता है परंतु वैदिक कालीन तो इसकी सारी जानकारियां हमारे सामने आ जाती हैं कि यह योग तो वैदिक कालीन है और इसमें हम बार बार जब कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि यह कहां से उठता है यह विषय क्योंकि सांख्य और योग भारतवर्ष की प्राचीन प्रसिद्ध वैदिक तथा तो वेदांत फिलॉसफी है जिसने संपूर्ण विश्व को विस्मित कर दिया है कहते हैं कि नास्ती सांख्यम समम जानम नास्ति योग समम बलम सांख्य के समान कोई दूसरा ज्ञान नहीं है और योग के समान कोई दूसरा बल नहीं है नास्ति सांख्यम समम जानम नास्ति योग समम बलम ना योग के समान कोई बल है तो आज हम इसकी बात कर रहे थे कि आखिर ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ हमें ये कहाँ से प्राप्त हुआ इसका उपदेष्टा किसे कहा जाता है तो हमने कहा कि यह हिरण्य गर्भ है हिरण्य गर्भ के विषय में जो बात आती है वह हम देखेंगे कि यह हिरण्य गर्भ को लेकर महाभारत काल में भी पूरा विवरण दिखाई देता है और गुण धर्म के विषय में पुरुष और बहुत्व के विषय में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में बोरा बहुत विस्तृत रूप से हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे सांख्य और ईश्वरवाद क्या है और इस तो हमने कहा कि यह ब्रह्मास्मि अहम अस्मि यह जो विषय है इसको हम आगे विस्तृत रूप से डालने जानेंगे तो हमने कहा कि कि इसमें चार पाद हैं सब लोग लिख लीजिए इसमें सबसे पहला पाद है वह पहला जो उसको कहते हैं हम समाधि पाद जो पहला लेसन है इसमें एक निपुण जे उपजाऊ भूमि जिसमें तैयार करके श्रेष्ठतम बीज होता है उसी प्रकार महर्षि पतंजलि ने समाहित चित्त वाले जो सबसे उत्तम अधिकारी हैं उनको सबसे पहले जो शिक्षा दी है उसे समाधिपात कहते हैं ऋषियों की यह परंपरा रही है दोस्तों कि वह सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले कहते हैं इसलिए जो सबसे उत्तम श्रेष्ठ योगी हैं उनके लिए सबसे पहला लेसन कहा गया है जो जब बिल्कुल खेत तैयार हो और उसमें सीधा बीज डालना हो इसलिए आपने ध्यान रखा होगा कि जो योग की अंतिम लक्ष्य है वह समाधि है परंतु उस समाधि को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं इस बात को ध्यान रखना है कि मेरे अंदर यह जिज्ञासा पैदा हुई हो सकता है आपके अंदर भी वो जिज्ञासा पैदा हो रही हो कि महर्षि पतंजलि को पहले ए बताना चाहिए था बी बताना चाहिए था सी बताना चाहिए था फिर डी बताना चाहिए था पहले ही जेड के विषय में बात कर रहे हैं सीधी समाधि की बात कर रहे हैं भैया जो लोग एक स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं वह सीधा समाधि में के लिए तैयार हो जाएं उनको इसलिए सबसे पहले रास्ता बताया फिर साधन पाद बताया सारा समाधि पाद एक प्रकार से निम्न तीन सूत्रों की विस्तृत व्याख्या है और वह है योगश्चित वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम और वृत्ति सारूप्यम इत्रत्र केवल तीन जो उक्तियाँ हैं उसका ही सारा विश्लेषण आप पाएंगे इस पूरे पहले पाद में जो उत्तम योगियों के लिए निहित है सबसे पहले उसको डिपिक्ट किया गया है क्योंकि जब मैंने योग दर्शन पढ़ना शुरू किया तो मैंने अपने गुरु से सबसे पहले यही पूछा कि ये मुझे बताइए कि क्या महर्षि पतंजलि इतना नहीं जानते थे कि आज तो पहले दिन हम क्या बताएं इनको पहले दिन तो हम बेस तैयार करेंगे वो कहने लगे कि नहीं तब योगी आत्माएं बहुत अच्छी थीं उनको रास्ता दिखाना जरूरी था तो सबसे पहले उनको बताया कि जो लोग तैयार हो चुके हैं जिनका आत्म जागरण हो चुका है वह समाधि प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको सीधा यह रास्ता बता दिया और तीन जो मैंने कहा सूत्र योग अनुशासनम इसका अर्थ क्या है आज हम उसकी चर्चा करेंगे परंतु केवल तीन सूत्रों के विषय में इस पूरे पहले अध्याय में चर्चा होगी योगश्चित वृत्ति निरोधा दूसरा तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम और तीसरा वृत्ति सारूप्य इत्रत्र जो वृत्ति आप में चल रही है बस वैसा ही व्यक्ति दिखाई देने लगता है चित्त बुद्धि मन और अंताकरण ये सब प्रायवाचिक शब्द हैं परंतु वह अहंकार चतुष्टय कहते हैं उसे यह चारों उस चित्त के अलग अलग अंग हैं और इनका अलग अलग कार्य है उसके विषय में भी हम बात करेंगे तो हम आज बात कर रहे थे कि दूसरा जो अध्याय है वह दूसरे पाद में विक्षिप्त चित्त वाले जो मध्यम अधिकारी हैं उनके लिए बात की गई है निमन की तो बात ही नहीं की गई है जो उत्तम अधिकारी हैं योग के उनके लिए कौन सा पाद है पहला लेसन समाधि पाद और जो मध्यम जिनकी स्थिति मध्यम की है मध्यम योगियों की जो स्थिति है उनके लिए कौन सा पाद है वो दूसरा पाद है वह साधन पाद है जिसमें पांच क्लेश बताए गए हैं सारे दुखों का कारण बताया गया है कि सारे दुखों का कारण क्या है और कैसे उसका निवारण करना है क्लेश के विषय में बताया गया है अस्मिता राग द्वेश क्लेशा तो दो बताए गए हैं कि हमें क्या करना है कि भाई दुख ये हैं क्या दुख से दूर होना है ये दुख से दूर होना है हेयम दुखम अनागतम ये दुख से दूर होना है तो दृष्ट दृश्य हो संयोग हो हेतु हे तो कह रहे हैं कि जो दृष्टा है और दृश्य इसका संयोग ही दुख है दुःख का कारण है और फिर उसके बाद इस दुख से कैसे ख्यात अलग होना है कहते हैं तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा उस विवेक ख्याति को प्राप्त करना है कैसे करना है योग अंगा अनुशानात योग अशुद्धि अशुद्धिक्षय ज्ञान दीप्ति विवेक ख्याते योग के अंग के अनुष्ठान से अशुद्धि का क्षय करना है ज्ञान की दीप्ति करनी है और विवेक ख्याति को जब तक विवेक ख्याति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उसका निरंतर हमें अभ्यास करना है तो आठों योग के अंग जो हैं वो बताए गए इस दूसरे अध्याय में अष्टांग योग की बात आती है परन्तु अष्टांग योग की कहीं चर्चा आपको पहले अध्याय में नहीं मिलेगी दूसरे अध्याय में आपको अष्टांग योग की बात आती है महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग दूसरे अध्याय से आपको मिलेगा और उस दूसरे अध्याय में भी पांच जो योग हैं योग के जो पहले पांच अंग हैं उनकी विषय में चर्चा जो बहिरंग योग है उसकी चर्चा आपको दूसरे अध्याय में मिलेगी फिर तीसरे अध्याय में जिसे हम विभूति पाद कहते हैं उसमें तीन अंग उनकी चर्चा आपको मिलेगी धारणा ध्यान समाधि और अंतिम में कैवल्य पाद जहाँ चित्त और चित्त के संबंध में जो शंकाएं हैं उनका युक्तिपूर्वक निवारण किया गया है तो ये चार पाद हैं जिसकी मैंने आज आपको इंट्रोडक्शन दी कि इनके विषय में अभी हम अध्ययन करने जा रहे हैं और जो फाउंडर हैं उन्हें क्या कहते हैं हिरण्य गर्भ कहते हैं उनके विषय में हमने चर्चा की कि हिरण्य गर्भ के विषय में क्या कहा जाता है युज समाधो योग की जो परिभाषा महर्षि वेद व्यास ने दी जब हम इसको इसके माध्यम से पढ़ेंगे इस पुस्तक के माध्यम से आप ये ले सकते हैं तो आप ले लीजिए पुस्तक इसको मैं बेस बना के पढ़ूँगा और दूसरी यह पुस्तक द योगा सूत्र ऑफ पतंजलि परमहंद परमहंस प्रजानंदा जी महाराज लहड़ी जी महाराज की इसको हम बेस बनाएंगे तीसरा श्रीमद भागवत गीता इस पुस्तक को बेस बनाकर चलेंगे इसको अपने साथ आप रखिएगा और यह पुस्तक जिसे पातंजल योग प्रदीप कहते हैं गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है इसको हम अपना बेस बनाएंगे और महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र हैं उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे स्वामी विवेकानंद की जो योग दर्शन पर उनकी टीका है उसको हम इंग्लिश का बेस बनाकर उसके उसके साथ काम करेंगे तो इसमें कहा गया कि हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूत से जाता पतिरेक आसित हिरण्य गर्भ ही सबसे पहले उत्पन्न हुए जो स्पस्थ भूतों के पति हैं उन्होंने इस पृथ्वी और स्वर्गलोक को धारण किया सुख स्वरूप देव की हम पूजा करते हैं तो उसमें पूजा की गई हिरण्य गर्भ की तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हिरण्य गर्भ हो योग से वक्ता ना अन्य पुरातना यागवल्के में स्पष्ट कहा गया है कि हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ हो, हो वक्ता ना अन्य पुरातना योग का जो सबसे पुराना वक्ता है वह हिरण्य गर्भ है कहते हैं सांख्य वक्ता कपिल सांख्य दर्शन जिसने दिया उसका वक्ता तो कपिल हैं परमर्षि स उच्चते हिरण्य गर्भ वक्ता ना अन्य पुरातना तो महाभारत के इस बारहवें अध्याय में उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिरण्य गर्भ वक्ता ना अन्य पुरातना तो आप संदर्भ नोट कर लीजिए कोई व्यक्ति आपको चैलेंज करे तो महाभारत का वेद का ये वाक्य है वेद का वाक्य क्या है यजुर्वेद का ऋग्वेद का दोनों में यजुर्वेद और ऋग्वेद में दोनों में यह मंत्र आता है हिरण्य गर्भा समताग्रे भूतः पतिरेक आसीत ऐसे ही महाभारत में कहा गया सांख्य वक्ता कपिल परम ऋषि स उच्यते हिरण्यगर्भो योग वक्ता न अन्य पुरातना इससे अन... पुरातन कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है और क्या कहते हैं ये एक श्वेताश्वर उपनिषद उसमें योग के विषय में लिखा गया उपनिषद मतलब कि महर्षि पतंजलि से पहले गीता में महाभारत में वेद में योग का वर्णन आता है इसलिए महर्षि पतंजलि उसके पिता नहीं है वक्ता नहीं है ये बात आपको समझाने के लिए ये बात कही जा रही है तो श्वेतांबर जो श्वेताश्वत अश्वत्तर श्वेत और अश्वतश्वर उपनिषद श्वेताश्वतर जो उपनिषद है उसमें बहुत अच्छा जो आ, योग के विषय में कहा गया वो आप नोट कर लें बहुत अच्छा उस श्रद्धे स्वामी जी महाराज भी उसको बोलते हैं न रोगो न जरा न मृत्यु हो प्राप्त से योग अग्निमयम शरीरम न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो प्राप्त से योग अग्निमय शरीरम जिसने योग अग्नि में शरीर को प्राप्त कर लिया योग की अग्नि जिसके अंदर प्रकट हो गई फिर न तस्य रोगो न फिर उसको रोग सता सकते हैं न जरा न वृद्धावस्था न मृत्यु न फिर उसको मृत्यु ही सता सकती है तो योग इतना प्राचीन है हमने महाभारत काल के विषय में पढ़ा वैदिक काल के विषय में पढ़ा और गीता में स्पष्ट कहा गया है तपस्वीभ्यो अधिको योगी जानीभ्यो अपि मतो अधिका जानियों से भी अधिक योगी कर्मीभ्य अधिको योगी कर्म में जो लगे हुए हैं निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हैं उससे भी अधिक योगी और तस्मात योगी भव अर्जुना इसलिए अर्जुन तो योगी बन तो योगी बन तो योगी बन कहते हैं ओम इति एकाक्षम ब्रह्म गीता में ये लिखा गया है कि उस योग को साधने के लिए समाधि में आपका जो सहारा बनेगा वह ओंकार बनेगा ओम इति एकाक्षम ब्रह्म तो उस परम पिता परमात्मा के उस मूल अक्षर ओम के विषय में चर्चा आएगी और वाचका प्रणवा यह चर्चा जब आएगी योग दर्शन में भी इसको उठाया जाता है हमने हठ योग की बार बार बीच में चर्चा की थी हठयोग के विषय में भी हम बात करेंगे हकार कीर्तिता सूर्यश्कार चंद्र हकार कीर्तित सूर्य ठकार चंद्र उच्यते तो हमने कहा था कि हकार कीर्तित सूर्य जो हकार नाड़ी है वह सूर्य है ठकार चंद्र उच्यते जो ठकार नाड़ी है वह चंद्र कहलाती है सूर्य सह योगो हठ योग निगद्यते जो सूर्य और चंद्रमा का जो ये ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी हैं अपान वायु को ईड़ा नाड़ी अथवा अपान वायु और सूर्य नाड़ी अर्थात पीड़ा और इंगला प्राणवाह, प्राण और अपान वायु के मिलने को हठय योग कहते हैं ईड़ा चंद्रस्वर सूर्य स्वर पिंगला प्राण तत्व अपान और प्राण का जहाँ संयोग होता है वह सुषमना जागृत होती है तो आज हमने बेसिक हठ योग भी प्राण तत्व के विषय में बता रहा है प्राणायाम के ऊपर बेस्ड है और योग जो हमने देखा कि सांख्य जो दर्शन है सांख्य दर्शन में जान मूल तत्व है और योग दर्शन में भक्ति और कर्म योग मूलतः प्रधान है तो आज हमने मूलतः इसकी चर्चा की कल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे आज के लिए क्योंकि यह इंट्रोडक्शन पार्ट था इसमें थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए थी कि देर आर वन नाइन्टी फाइव कुछ लोग वन नाइन्टी सिक्स सूत्रा कहते हैं योग अनुशासन को नहीं मानते कुछ वन नाइन्टी फाइव योग सूत्र मानते हैं जैसे पहला अध्याय में फिफ्टी वन दूसरे अध्याय में फिफ्टी फाइव तीसरे में फिफ्टी सिक्स और चौथे में थर्टी फोर सूत्राज हैं और इनका जो टोटल है वो नाइन वन नाइन्टी सिक्स सूत्र इसको माना जाता है तो हमने इसके विषय में चर्चा की तो हमने कहा समाधि पाद क्या है द समाधि इज सेल्फ रियलाइजेशन और साधना साधना पथ इज़ द प्रैक्टिस जो लोग अभी मिडल में हैं अभी जो उनको कुछ प्राप्त करना है जो अभी योग की राह पर समाधि की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं फॉर देम साधना पाद इज द बेस्ट इसमें ही योग की चर्चा की गई है योग की चर्चा पहले अध्याय में नहीं की गई विभूति पाद द बुक ऑन विभूति और योगिक अटेनमेंट्स इसे विभूति पाद कहते हैं केवल्य द बुक ऑन केवल्य आर द रियलाइजेशन और लिब्रेशन तो हम इसके विषय में आगे गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे क्योंकि हमें चार पांच पुस्तकों के आधार पर इसको आगे बढ़ाना है बस आपको इतना सा बता देता हूँ कि यहाँ आपने देखा होगा कि वेदों में मंत्र कहा जाता है भागवत गीता जी में श्लोक कहा जाता है परंतु योग को सूत्र कहा जाता है सूत्र मीन्स द फार्मूलाज इसलिए फार्मूलाज बहुत डिटेल नहीं होते वो बहुत शॉर्ट में होते हैं इसलिए उनके ऊपर टीकाएँ की जाती है महर्षि वेदव्यास ने उसके ऊपर टीका की है हम उसको बेस बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये फार्मूलेशन्स हैं और फार्मूलेशन्स सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता उसको उसके लिए एक सदगुरु की आवश्यकता है और हम तो आप और मैं तो साधक हैं हम तो इस पथ के राही हैं तो हम सब मिलकर कुछ चीज़ें आप बताएंगे कुछ मैं बताऊंगा मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको पढ़ रहे थे द स्पेशल ट्रेडिशन ऑफ एंशंट इंडियन टीचिंग इज कंटेंड इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास लिटरली ट्रांसलेटेड एज फॉर्मूलास सूत्रा बुक्स कैन बी डिस्क्राइब एज कंप्रीहेंसिव एंड प्रिसाइज हैंड बुक्स ऑन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो हम इसके विषय में बात कर रहे थे कि सूत्रास आर द थ्रेड आर द लिंक्स बिटवीन टू थिंग्स टुगेदर ऑल दो देर आर ए लॉट ऑफ सूत्रा बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ए फ्यू इंपॉर्टेंट सूत्रा बुक्स स्पेशली एम एट क्विक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन एंड अल्टीमेटली गॉड रियलाइजेशन दीज बुक्स आर योग सूत्रास पतंजलि योग सूत्रास द सेकेंड वन इज द ब्रह्म सूत्र ऑफ व्यासाह एंड द थर्ड वन इज भक्ति सूत्र ऑफ नारदा एज वेल एज शांडिल्य तो शांडिल्य और नारद मुनि जी की एक पुस्तक है वह है भक्ति सूत्र पर महर्षि व्यास की पुस्तक है ब्रह्म सूत्र पर यह भी जो लोग अध्यात्म को बहुत शीघ्रता से प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए है और तीसरी एक बड़ी पुस्तक है वह है योगदर्शन के योग सूत्र जो व्यक्ति को आध्यात्मिक गहरे से जल्दी से जल्दी उतारते हैं तो दीज आर ऑल द फॉर्मूलाज तो इसको ध्यान में रखना है कि हम दीज फॉर्मूलाज वी हैव टू डिपिक्ट एंड रेशनलाइज इन आवर लाइफ इवन द नोट्स आर हिंट्स आर वेरी डीप इंप्लिकेशंस body and mind are mind are correlated and connected in much the same way that in the comfort of the one to isko hame bahut dheere se isko karna hai controlling the activities of the body you will perceive that the mind is controlled हमने उस दिन भी हठ योग में पढ़ा था हठ योग क्या मूल हमने आधार यही लिया था चले वाते चलम चितम निश्चले निश्चलम भवेत जब तक प्राणवायु चल रही है तब तक मन भी चल रहा है तो म, शरीर की साधना से मन के ऊपर नियंत्रण हमने पाया था हठय योग में आइए अब हम अपने मन को उस परम तत्व में कैसे लगाने का एकाग्र करने का और एकाग्र मन को कैसे समाधि की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं इसको जानने का प्रयास करेंगे आज इतनी सी बात करते हुए कि पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम आइए योग के अनुशासन में चलते हैं महर्षि पतंजलि ने जैसे निर्दिष्ट किया है उस अनुशासन को अपनाने का प्रयास करते हैं उसे जीवन में यदि हमने धारण कर लिया उस अनुशासन का हमने प्रयोग कर लिया कि वह योग अनुशासन का अर्थ क्या है योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ का आज हम आरंभ कर रहे हैं बस इतना सा अर्थ है अथ योग अनुशासनम कि हम योग के ग्रंथ का आज आरंभ कर रहे हैं जहाँ लक्षण बताए जाएंगे योग के भेद बताया जाएगा उपाय बताया जाएगा उसके फल बताए जाएंगे कि योग का योग शिक्षा का क्या फल क्या होता है कैसे आलस्य वाले जो व्यक्ति हैं उनको मूड कहा जाता है चित्त की अलग अलग भूमियों के विषय में चर्चा आएगी फिर संप्रजात असंप्रजात समाधि की चर्चा आएगी अनुबंध चतुष्टय की चर्चा आएगी तो इसमें जो ग्रंथ है उसका विशेष एक विषय विशे होता है एक प्रयोजन होता है एक अधिकारी होता है एक संबंध होता है तो इस शास्त्र का विषय क्या है तो इस शास्त्र का विषय है योग इसका प्रयोजन क्या है तो योग द्वारा स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करना तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम ये इसका प्रयोजन है अधिकारी कौन है इसका जो मुमुक्षु है जिज्ञासु है वही इस योग दर्शन को पढ़ने का अधिकारी है और चौथा इसका संबंध क्या है तो इसका का कर्तव्य भाव संबंध है जो इसको करेगा वो ही इसको प्राप्त कर हो, हो पाएगा इतना ही कहते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतो निरामया सर्वे पत्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुखभाग भवित् ओम शांतिश शांतिश शांतिही ओम श्री परमात्मने नमः श्री गुरु नमः सर्वे नमः सर्वे, सर्वे शामपि सुखिना भवन्तु आप सबके मंगल में दिन की मंगल में जीवन की कामना करते हुए प्रणाम